कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की हर तरफ धूम है। इस पर राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी भी खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब ऐसे में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को, या यूं कहें राहुल गांधी को, एक सलाह दी। अब देखिए, प्रशांत किशोर और कांग्रेस का फिलहाल क्या रिश्ता है ये सभी जानते हैं। जहां प्रशांत किशोर ने ये तक कह दिया था कि कांग्रेस उनकी बात को नहीं मान रही, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ काम करना छोड़ दिया है। अब इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने फिर से कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कह दी है। चलिए अब आपको भी पूरी खबर बताते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 13 दिन हो चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने मंगलवार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात या किसी अन्य भाजपा शासित राज्य से शुरू होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, बेहतर होता कि कांग्रेस गुजरात से अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करती, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में। बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। आगे उन्होंने कहा, अगर लोगों में उम्मीद है तो अलग विदर्भ राज्य के विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है। आंदोलन केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, इसका राष्ट्र प्रभाव होना चाहिए, अभियान समाज से उभरना चाहिए। आपको बता दें, इस साल की शुरुआत में प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति का नेतृत्व करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। विदर्भ समर्थकों से बातचीत करते हुए उन्होंने अलग राज्य के सपने को साकार करने के लिए क्षेत्र के लोगों द्वारा एकजुट प्रयास करने का ऐलान किया था। अब बात करें प्रशांत किशोर की, तो उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम करना बंद कर दिया है और वे अब लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए, जहां उन्होंने इसके लिए बिहार को चुना था। वो सीएम नीतीश पर जमकर तंज भी कसते आए हैं। वही बात करें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, तो वो जोरों पर है, जहां कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस अगस्त में भारत जोड़ो यात्रा लेकर आई थी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इस यात्रा का मकसद सिर्फ भाजपा को चुनौती देना नहीं, खुद का अस्तित्व बचाना भी है। ऐसे में इस यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये पद यात्रा दो बैच में चलेगी। एक बैच सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और दूसरा बैच दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक। इस यात्रा के दौरान लगभग 22 से 23 किमी पैदल चलने की योजना बनाई गई है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले यात्री किसी 5-स्टार होटल में नहीं बल्कि एक कंटेनर में ठहरेंगे। फिलहाल प्रशांत किशोर के इस सलाह पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।